नमस्कार, आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। मुंबई महाराष्ट्र की टॉप 25 बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अमरावती में भारी बारिश के बाद ताज के पत्तों की तरह ढह गई इमारत। सीएम शिंदे के गांव में दो हेलीपैड, लेकिन ढंग की सड़क नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। शिंदे सरकार का बड़ा तोहफा, महाराष्ट्र में 5 रुपए कम किए पेट्रोल के दाम, डीजल 3 रुपए सस्ता। भाजपा ने कहा द्रौपदी मुर्मू नहीं जाएंगी मातोश्री, 2 दिन पहले उद्धव ने किया था समर्थन का ऐलान। गुजरात में बारिश से 93 की मौत, महाराष्ट्र में उफान पर नदियां, देश के कई राज्यों में हाहाकार। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर चुनावी हलफनामों में विसंगतियों का आरोप, अदालत में शिकायत दायर। शिंदे ने पलटा उद्धव सरकार का फैसला, आपातकाल के समय जेल जाने वालों को फिर से मिलेगा पेंशन। बारिश कहर बरपा रही, राज्यपाल कहां है? संजय राउत ने शिंदे सरकार को बताया अवैध। भारी बारिश से गुजरात महाराष्ट्र में बाढ़ से हालात गंभीर, एनडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने में जुटी। मुंबई यूनिवर्सिटी में होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द, भारी बारिश के अलर्ट के चलते लिया गया फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम आदेश, मां को करियर और बच्चे में किसी एक को चुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नवसारी में घरों में घुसा पानी, पालघर में 10 लोग तेज धार में फंसे। सत्ता के बाद खतरे में उद्धव का सियासी भविष्य, अब सांसदों के साथ छोड़ने की अटकलें तेज। शिवसेना के खिलाफ कांग्रेस को मुहरा बनाएगी बीजेपी। मुंबई नगर निगम के वार्ड ढांचे पर मिलिंद देवड़ा ने लिखा पत्र, फडणवीस ने ट्वीट कर दिया जवाब। लता मंगेशकर का बड़ा सपना पूरा करेगा परिवार, उम्र दराज और मजबूर कलाकारों को मिलेगा आश्रय। महाविकास अघाड़ी में दरार, उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान बीएमसी वार्डों के परिसीमन पर कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा ने उठाए सवाल। बाढ़ और आफत में पालघर में फंसे 10 श्रमिकों को एनडीआरएफ की टीमों ने किया रेस्क्यू। शिवसेना सांसद राहुल शिवाले ने महिला के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। राज ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार में होगी एंट्री, फडणवीस ने दिया ऑफर। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। लोनावला घूमने आए एक सैलानी की मौत, 2 बाल-बाल बचे। बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी, राजनीतिक नेताओं की शह के बिना अवैध होर्डिंग नहीं लग सकती। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ बनी मुसीबत, अब तक 97 लोगों की हुई मौत। नासिक में नदी में छलांग लगाने के बाद लापता हुआ युवक, तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। महाराष्ट्र में लगातार IMD द्वारा रेड अलर्ट जारी। ऐसे ही तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए एंटी करप्शन न्यूज के साथ।